नमस्कार, मैं सुधीर आज आपको अवगत कराऊंगा भारत के एक ऐसे महान योद्धा एवं रणनीतिकार से जिसने भारत की प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित करके फारसी भाषा की जगह मराठी एवं संस्कृत भाषा को राजकाज की भाषा बनाया था। भारत देश हमेशा से वीर शासकों और योद्धाओं की पृष्ठभूमि रहा है। इस धरती पर ऐसे महान शासक पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और कौशल के दम पर इतिहास में अपना नाम बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया है। ऐसे ही एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले अतः माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास स्थित है। शिवाजी महाराज ने अपना अधिकतर जीवन काल उनकी माता जीजाबाई के साथ व्यतीत किया था। शिवाजी महाराज बचपन से ही बहुत बहादुर और चालाक थे। उन्होंने बचपन में ही सभी प्रकार की युद्ध कला और राजनीतिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। भोसले मराठी क्षत्रिय हिंदू राजपूतों की एक जाति है। शिवाजी महाराज के पालन पोषण और शिक्षा में उनकी माता जीजाबाई का बहुत योगदान रहा है। उनकी माता उन्हें बचपन से ही युद्ध की कहानियां तथा उस युग की घटनाओं को बताया करती थी। ज़्यादातर उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी जिन्हें सुनकर शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के लिए कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी थी। उनके अंदर संगठन स्थापित करने की अद्भुत क्षमता एवं कला थी। मराठा साम्राज्य 4 भागों में विभाजित था। हर राज्य में एक सूबेदार होता था जिसको प्रांतपति कहा जाता था। हर सूबेदार के पास भी एक अष्टप्रधान समिति होती थी। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई सन 1640 को साईबाई निम्बलाकर के साथ लाल महल पुणे में संपन्न हुआ था। बाद में उन्हें उस समय की मांग के अनुसार तथा सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने के लिए 7 विवाह और करने पड़े थे। उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित किया। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण एक कुशल योद्धा माने जाते हैं। शिवाजी महाराज ने सभी जाति के लोगों को अतः मावला नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क करके उनके प्रदेश से परिचित हो गए थे। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। मावलों का सहयोग शिवाजी महाराज के लिए बाद में उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ था। बचपन में शिवाजी अपनी उम्र के बच्चों को इकट्ठा करके उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। जब वह बड़े हुए तो उनका यह खेल वास्तविक कर्म बन गया। अतः वे एक आक्रामक वीर योद्धा बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार जमाने की नीति अपनाई। शिवाजी एक सेक्युलर शासक थे और वे सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे। वह जबरन धर्मांतरण के सख्त खिलाफ थे। उनकी सेना में मुस्लिम बड़े बड़े पदों पर मौजूद थे। इब्राहिम खान और दौलत खान उनकी नौसेना के खास पदों पर थे। सिद्दी इब्राहिम उनकी सेना के तोपखानों का प्रमुख था। 1659 ईस्वी में आदिल शाह ने अपने सेनापति को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। दोनों के बीच प्रतापगढ़ के किले पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिवाजी महाराज विजय हुए। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत को देखते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब ने जयसिंह और दिलीप खान को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा।
उन्होंने एक समझौते पर शिवाजी से हस्ताक्षर करने को कहा। अतः पुरंदर की संधि के मुताबिक उन्हें मुगल शासक को 24 किले देने पड़े। समझौते के बाद शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए गए। वह 9 मई 1666 ईस्वी को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा और इससे औरंगजेब ने उन्हें एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर लिया। शिवाजी 13 अगस्त 1666 ईस्वी को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और सीधे रायगढ़ पहुंचे। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। उन्होंने मराठाओं की एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। उन्हीं के शासनकाल में गुरिला युद्ध के प्रयोग का भी प्रचलन हुआ। उन्होंने नौसेना भी तैयार की थी। उन्हें भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। अतः अप्रैल 1680 को बीमार होने पर उनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय शासकों में वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने नौसेना की अहमियत को समझा। उन्होंने सिंधुगढ़ और विजयदुर्ग में अपने नौसेना के किले तैयार किए। रत्नागिरी में उन्होंने अपने जहाज़ों को सही करने के लिए एक दुर्ग तैयार किया था। उनकी सेना पहली ऐसी सेना थी जिसमें गुरिला युद्ध का जमकर इस्तेमाल किया गया था। शिवाजी महाराज की गनीमी कावा नामक कूटनीति, जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उसे हराया जाता था, को आदर सहित आज भी याद किया जाता है। जमीन पर युद्ध लड़ने में तो शिवाजी को महारत हासिल थी, जिसका फायदा उन्हें दुश्मनों से लड़ने में मिला था। वे एक पेशेवर सेना तैयार करने वाले पहले शासक थे। वह हिंदू धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे। वे संस्कृत और हिंदू राजनीतिक परंपराओं का विस्तार चाहते थे। उनकी सभा में पारसी की जगह मराठी का इस्तेमाल किया जाने लगा था। हालांकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने उन्हें लुटेरे की संज्ञा दी है, लेकिन दूसरे स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका को महान हिंदू शासक के तौर पर दिखाया गया है। शिवाजी ने 1657 ईस्वी तक मुगलों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखे थे। यहां तक कि बीजापुर जीतने में शिवाजी ने औरंगजेब की मदद भी की थी, लेकिन शर्त ये थी कि बीजापुर के गांव और किले मराठा साम्राज्य के तहत रहेंगे। दोनों के बीच मार्च 1657 में तल्खी शुरू हो गई और दोनों के बीच ऐसी कई लड़ाइयां हुई जिनका कोई हल नहीं निकला। शिवाजी महाराज को एक दयालु शासक के तौर पर भी याद किया जाता है। उन्होंने सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी प्रांतों के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वो दुश्मन सेना के सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। यदि संभव होगा तो उनकी सेना में उन्हें वही पद दिया जाएगा। यहाँ तक कि पकड़ी गई किसी महिला को गुलाम की तरह नहीं रखा जाएगा, उन्हें इज्जत के साथ उनके घर भेजा जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपना तन मन धन न्योछावर कर दिया था। राजाधिराज, महाराज, योगीराज, श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोज की अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।